काम करने का अगर उनको जोश है तो आएंगे बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोगों को नाराजगी रहती है, ऐसे लोग ये ऐसे अफवाह फैला है, तो मैं समझता हूँ ये इसके ऊपर हमको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और रमजान मुबारक आप सबको। और आप लोगों को इधर इकट्ठा करने का वजह ये थी कि कल कोई चैनल में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब के अब्दुल जब्बार साहब MLC, उनके काम करने के तरीके के बारे में कोई किसी ने आवाज उठाई थी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनाउंस नहीं किए, सिर्फ 10 चेयरमैन अनाउंस हुए हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ है, और लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोग कैसे हम लोग सामना कर पाएंगे करके इसके बारे में किसी ने आवाज उठाई थी। तो उस बारे में मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप लोगों को सब इधर दावत दी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऑर्गेनाइजेशन काम जिसने भी ये जो न्यूज गलत न्यूज दी है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम चलता है उसको पता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है जो हाईकमांड से जुड़ा हुआ है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन आएगा वो हाईकमांड से कंसल्ट करके हाईकमांड के अप्रूवल के हिसाब से ही आगे काम बढ़ता है। जो कमिटी डिसॉल्व हुई थी दिसंबर 15 तारीख को, स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी सारे जो थे सब डिसॉल्व हुए थे। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी, वहां से ऑब्जर्वर आए थे हमारे जीनल वाला जी, यहाँ पे दिसंबर 15 तारीख को ये डिसॉल्व हुई और जनवरी 2-3 तारीख को यहाँ पे थे वो, अच्छा 3 या 4 तारीख, 3-4 तारीख को यहाँ पे थे, और उन्होंने सबसे इंडिविजुअली हर आदमी पर्सनल आके उनको मिला है, बात किया है और किस तरीके से काम चल रहा है, किसका रिपोर्ट क्या है, हर चीज का रिपोर्ट था कि कौन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कौन काम किया है, कौन नहीं काम किया है, और वर्कर कौन उसमें काम किया है नहीं किया है, सारी रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट लेके वो गई थी यहां से, और यहां से जो रिकमेंडेशन स्टेट बॉडी का था और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हमको रिकमेंडेशन भेजा था, ये 10 से 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी अनाउंस करने का तरीका यह होता है कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं उनके लिए एक जितना भी रिकमेंडेशन आता है वहां के MLAs हैं, सीनियर लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स हैं, इनका अप्रूवल आने के बाद, इनका रिकमेंडेशन होने के बाद में ही इसको आगे किया जाता है। तो हमको ये रिकमेंडेशन मिला था, रिकमेंडेशन मिलने के बाद में हमने स्टेट बॉडी को, हमारे स्टेट कमिटी को दी थी, यहाँ पे जो इंचार्ज है हमारे सलीम अहमद साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, उनको दी थी। वहां से अप्रूवल लेने के बाद में हम लोग दिल्ली भेज के इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे जो चेयरमैन है उनको देके वहां से अप्रूवल आया था 10 चेयरमैनों का, तो हमने और कमेटी का और 10 स्टेट कमेटी और 10 चेयरमैन अनाउंस किए थे। बाकी के और 12 रिकमेंडेशन आए ऑलरेडी सबमिट किए हैं स्टेट बॉडी के लिए भी, और थोड़े नाम रिकमेंडेशन आए थे वो सब सारे सबमिट किए हुए हैं, बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा में जुड़े हुए थे, तो इंशाल्लाह कल परसों पहुंचेंगे वो, उसके बाद में वो आ जाएगी तो वो इंशाल्लाह रिलीज होगी। काम करने में और आइंदा इलेक्शन के लिए सामना करने में इंशाल्लाह हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम जुड़ा हमारा जुड़ा हुआ है और इसमें सारी रिपोर्ट है कि कौन काम कर रहा है। कोई ऐसे लोग जो काम करने वालों को आगे बढ़ा है, जो काम नहीं कर रहे थे ऐसे लोगों को निकाला भी गया है, क्योंकि हमारे हमारे स्टेट चेयरमैन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब का इंस्ट्रक्शन था कि काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाए और जो काम नहीं किए हैं उनको थोड़ा दूर रख के पार्टी को मजबूत करे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे, और इसमें क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है इसमें सब काम करने वाले आगे रहेंगे, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मौका फिर मिल सकता है अगर से वो दूसरे तरीके से दूसरे स्टेट बॉडी में आके काम करेंगे या फिर आप उनको काम
काम करने का अगर चंद जोश है तो आएंगे बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोगों को नाराजगी रहती है, ऐसे लोग ऐसे अफवाह फैला है, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मजबूती से खड़ा है और मजबूती से आगे चलेगा। पिछले लोकसभा पिछले असेंबली इलेक्शन में आप लोगों ने खुद देखा है किस तरीके से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने काम किया है। जब्बर साहब की सदारत में माशाल्लाह 110 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग जाके मीटिंग करके आए थे, उसके नतीजे आपके खुद सामने है कि पोलिंग भी बेहतरीन तरीके से ज्यादा से ज्यादा हुई है और अच्छे तरीके से काम किया है, जिसका रिकग्निशन जो इसको अक्नॉलेज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे सीएम साहब भी खुद करते हैं कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसमें बेहतरीन काम किया है और दूसरे डिपार्टमेंट भी काम किए हैं, दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी काम किए हैं, उसकी वजह से ये नतीजे आपके सामने आए हैं। जो बोर्ड और कॉरपोरेशन बने, क्या उसमें माइनॉरिटीज को मुनासिब नुमाइंदगी मिली है आपके मुताबिक, क्या आप मुतमईन हैं? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, 6 चेयरमैन हुए हैं और बोर्ड डायरेक्टर्स भी हुए हैं अच्छे बोर्ड में भी, और बाकी आने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद में और रिलीज होंगे तो इंशाल्लाह नुमाइंदगी मिलने वाली है इंशाल्लाह। इसका आप खुद देख रहे हैं 6 चेयरमैन हुए हैं तो काम करने से ही वो रिकग्निशन मिला है। आपके खिलाफ जो है खबरें आई हैं, सदर साहब के खिलाफ बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिसको पॉलिटिकल एक्यूमन नहीं है, जिसको काम करना नहीं है सिर्फ ओहदा चाहिए, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि उनको नाराज़गी रहती है और हर एक को खुश किया नहीं जा सकता। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। ये हर तरीके आपको हर डिपार्टमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, इसके बारे में हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।